दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं मोरक्कन टाइल के ऊपर। तो दोस्तों वैसे आप लोग जानते ही होंगे कि मोरक्कन जो टाइल है उसका पैटर्न, उसके डिज़ाइन के लिए वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है। उसके डिफरेंट डिफरेंट जो डिज़ाइंस होते हैं आपके फ्लावर के अंदर, जो वर्टिकल शेप के अंदर, डिफरेंट जो मल्टी कलर्स के साथ में, जो मोरक्कन टाइल का एक जो टच हमें घर के अंदर देखने को मिलता है, वो आपने देखा होगा कि हर एक आदमी जो है वो चाहता है कि मेरे घर के अंदर एक ऐसे कॉर्नर के अंदर एक मोरक्कन जो थीम का डिज़ाइन है या उसका टाइल है वो उसको मैं यूज़ करूँ। तो आपने देखा भी होगा कि काफ़ी जो है आपके गार्डनिंग एरियाज हो गए, अपने पास बालकनी एरिया हो गए, या फिर कोई काउंटर के ऊपर, किचन काउंटर के ऊपर जो है वो आपको मोरक्कन टाइल देखने को मिल जाती है। तो गाइस आप देख रहे हैं आर्क इंटीरियर्स बाय रमेश टाटीवाल। दोस्तों अगर आप चैनल के ऊपर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। तो दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ आपकी जेब्रा बैंड की जो मोरक्कन टाइल्स है उसके ऊपर। तो दोस्तों वैसे तो आप जेब्रा बैंड के नाम से ही आप समझ गए होंगे कि जेब्रा का मतलब हम आज ब्लैक और वाइट जो मोरक्कन टाइल है, ज्योमेट्रिकल शेप के ऊपर जो टाइल का डिज़ाइन है, उस टॉपिक के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। दोस्तों मैं आपको ले चलता हूँ अपनी साइट के ऊपर। तो दोस्तों इस साइट पर आप देखेंगे तो हम अभी यहाँ पे एक मोरक्कन टाइल का जो पैटर्न है उसको हम सेट यहाँ पे कर रहे हैं। किस तरह से फॉर्मेशन में हमें इस टाइल को लगाना है, वो टाइल का जो है डिटेलिंग किस तरह से रहेगा, उसकी शेप वगैरह किस तरह से निकल करके आएगी दोस्तों, तो वो आप इस वीडियो में आपको देखने को मिल रहा होगा। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं दोस्तों कि आपकी जो टाइल है इसके अंदर, जैसे ये टाइल का जो साइज़ है आपका 16x16 का जो टाइल का साइज़ है, और उस साइज़ की अंदर हम स्पेसर यूज़ करते हुए, क्योंकि हम बालकनी में हम यूज़ करने वाले हैं, तो स्पेसर यूज़ करते हुए इसके अंदर एक डिज़ाइन कॉम्बिनेशन हम सेट कर रहे हैं कि इसमें क्या डिज़ाइन जो है वो निकल करके आ सकता है। तो दोस्तों हमने इसकी एक शेप क्रिएट करके और इस तरह के जो फ्लोरिंग का डिज़ाइन हो गया, वो फ्लोरिंग के डिज़ाइन को निकालने के लिए हम यहाँ पे अभी ट्राई कर रहे हैं कि इसका कॉन्सेप्ट वगैरह कैसा लगेगा। वर्टिकल फेस के ऊपर जो है, इवन जैसे हम वर्टिकल जो वॉल हो गई, वॉल पे भी अगर हम टाइल को अगर क्लैड करना चाहेंगे, स्कर्टिंग नहीं लगा करके अगर हम फुल एक हाइट का टाइल लगाना चाहें, तो वो भी उसकी डिटेलिंग किस तरह से लगेगी, तो दोस्तों वो डिटेल पूरा आपको इस वीडियो में देखने को मिल रहा होगा। अब गाइस मैं आपको साइट पे ले चलता हूँ और ये बताता हूँ आपको कि जब ये मोरक्कन टाइल साइट के ऊपर इंस्टॉल हो गया, इंस्टॉलेशन होने के बाद में आपको ये कैसे दिखने के अंदर मिल रहा है, इसकी डिटेलिंग जो है वो कितनी अच्छी लग रही है या नहीं लग रही दोस्तों, वो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे बताइए कि आपको ये टाइल का डिज़ाइन कैसा लगा। तो दोस्तों साइट के ऊपर चलते हैं अपन और आप देख सकते हैं कि ये बेडरूम के व्यू जो है, व्यू से निकलते हुए काफ़ी अच्छा बेडरूम का व्यू मिल जाता है। ये बालकनी पूरा जो एरिया है, उस बालकनी एरिया के अंदर आपको ये पूरा टाइल देखने को मिल रहा होगा। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से पूरा फ्लोरिंग के अंदर एक ज्योमेट्रिकल शेप के अंदर जो मोरक्कन टाइल है जेब्रा बैंड का डिटेल किस तरह से आपको देखने को मिल रहा है, कितना प्रीमियम आपको रिच लुक आपको देखने को मिल रहा है। और वर्टिकल जो फेस है, क्योंकि हम जो बालकनी में जो रेलिंग हम वगैरह लगाएंगे, रेलिंग के लिए हमने यहाँ पे 1 फीट की हाइट जो है वो वॉल की हमने बनाई हुई है, उसके ऊपर भी हम इसको सेम पैटर्न के अंदर उसको क्रिएट करना चाह रहे हैं, जो आपको देखने के अंदर भी मिल रहा होगा। दोस्तों आप देखते हैं किस तरह से पूरी जो लाइन्स है वो लाइन्स प्रॉपर वे में जो है वर्टिकल फेस के ऊपर ही मिल रही है। तो दोस्तों इस तरह की डिटेलिंग को बनाने के लिए अच्छे वेंडर का होना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। तो दोस्तों आप देखते हैं कि पूरा ऑल ओवर जो व्यू है, वो ऑल ओवर व्यू में आप देखने को मिल रहा होगा कितनी अच्छी जो है पंची डिज़ाइन आपको लग रही है ये, और पूरी बालकनी का जो फील है वो फील ही काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुका है। तो दोस्तों आप भी अपने किसी भी एरिया के अंदर मोरक्कन टाइल को लेकर के आप यूज़ कर सकते हो। गाइस अभी हमने एक और हमारी बालकनी का एरिया है, उस बालकनी एरिया के ऊपर हमने फ्लावर जो पैटर्न के अंदर मोरक्कन टाइल को हमने यूज़ किया हुआ है, उसका वीडियो भी मैं जल्दी आपके सामने लेकर के आऊँगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये जो टाइल है, ये टाइल का डिज़ाइन ब्लैक और वाइट कॉन्सेप्ट के साथ में आपको कैसा लग रहा है देख करके, कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे बताइएगा दोस्तों। तो गाइस आप भी अपने किसी भी एरिया के अंदर जो है मोरक्कन टाइल को लगाने से पहले, अगर ज्योमेट्रिकल शेप के अंदर है तो आप उसको प्रॉपर फ्लोर के ऊपर जो है उसको बिछा करके आप उसका पैटर्न डिज़ाइन जो है बना सकते हैं, उसको चूज़ कर सकते हैं कि उसके अंदर क्या क्या ऑप्शंस वगैरह निकल सकते हैं। क्योंकि गाइस मोरक्कन जो टाइल है, या टाइल के अंदर डिज़ाइन डिपेंड काफ़ी करता है टाइल के ऊपर, कि अगर उसके डिज़ाइन की शेप्स के साथ में अपन काफ़ी कुछ इसमें प्ले कर सकते हैं। तो दोस्तों आप जो है जब भी आप फ्लोरिंग का मोरक्कन टाइल का अगर आप प्लान करने वाले हो, तो एक बार आप जो है मॉकअप जरूर बना करके आप देखिए कि मॉकअप के अंदर आपको वो डिज़ाइन के क्या क्या ऑप्शंस निकल करके सामने आ सकते हैं। तो दोस्तों आप अपने एरिया को डिज़ाइन करने के लिए मोरक्कन टाइल के साथ में जा सकते हैं। आप अपनी बालकनीज हो गया, टेरेस हो गया, कहीं पर भी एरिया के अंदर जो है मोरक्कन टाइल को आप ले जा करके अपने डिज़ाइन को काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल तरीके से आप उसको निकाल करके लेके आ सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो अपने पास में तो चैनल को लाइक जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। जय हिंद, जय भारत।